हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जी हाँ, आपको फिर से मैं एक बार ताज़ा कर दूँगी, आज 5 जून है और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये आप भली भांति जानते हैं और मैं भी जान रहा हूँ। तो गाइस, मैंने सोचा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो इस पर छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि आज रहा नहीं गया, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण से रिलेटेड वीडियोस बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं आपको ये बता दूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जो है आज है, और आज हम एक छोटा छोटा पौधा लगाएंगे अपने आंगन में, अपने घर के दरवाजे के बाहर। तो आज गाइस हम अपना छोटा सा एक पौधा लगाने भी वाले हैं, तो हम गाइस वो दिखाएंगे। लेकिन गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी एक पौधा लगाओ अपने घर के आंगन के आसपास, जहां भी हो सके, जहां आपको जगह मिले तो वहां लगाइए। क्योंकि गाइस जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का क्या हमारे लिए महत्व है, पर्यावरण का क्या महत्व, प्रकृति का क्या महत्व है हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में। आज जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं आप भली भांति जान रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि जब हमें इससे पहले जो हमें हवा नहीं खरीदना पड़ रहा था, आज हमें हवा खरीद के सांस लेना पड़ रहा है। जो हमें हमने कभी वाटर खरीद के नहीं पिया, आज हमें वाटर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो ये क्या है गाइस, ये यही ना है कि हम प्रकृति को वैल्यू नहीं दे रहे, तो प्रकृति हमें वैल्यू नहीं दे रहा है। तो गाइस, मैं एक सही मायने में बताऊं कि मैं जिस इंसान को वैल्यू दूंगा, जिस इंसान को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो इंसान हमें भी रिस्पेक्ट करता है। यदि मैं किसी को गाली दे के बात करूंगा तो वो ऐसा थोड़ा है कि भैया हमें भैया कहके बोलेंगे। तो गाइस, वही सेम सिचुएशन है प्रकृति के साथ। यदि हम प्रकृति को वैल्यू नहीं देंगे, प्रकृति को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो प्रकृति हमारे हमसे कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। आप सोच सकते हैं कि वैसे इंसान से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जो मैंने कभी उससे रिस्पेक्ट नहीं किया। तो गाइस, ये जरूरी है कि जिसे आप रिस्पेक्ट देंगे, जिसे आप चाहेंगे, जिसे जितना वैल्यू देंगे वो आपको उतना ही वैल्यू देगा। तो ये गाइस, आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, तो गाइस एक छोटा सा पौधा लगाना तो बनता है। आप आज हम लगाएंगे भी, क्योंकि आप गाइस ये सोच रहे होंगे कि मैं अकेला एक पौधा लगाऊं तो क्या होगा। गाइस, ऐसा नहीं है। यदि आप सोच पे पॉजिटिव रखेंगे ना कि एक मैं पौधा लगाता हूँ, तो आपके जैसा और जैसे सपोर्ट दैट मैं एक पौधा लगा रहा हूँ, तो मेरे साथ यदि आप लगा रहे हैं तो आपके साथ और एक लगाएगा और एक लगाएगा, तो एक चैन सिस्टम सा बनता जाएगा, हो जाएगा, पेड़ पौधे भरमार हो जाएंगे। तो ये प्रत्येक दिन प्रत्येक महीना ये आप लगा सकते हैं गाइस। यदि आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो साल में दो पौधा तो आप जरूर लगाए, जो जरूर है कि पानी दे तो बिल्कुल सुकून होगा और मज़ा भी आएगा, और एक प्लांट के साथ, एक प्राकृतिक के साथ जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। तो गाइस, आज हम एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, और आप भी संकल्प करें कि एक छोटा सा पौधा लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रकृति का क्या नज़ारा है, क्या सुंदर दृश्य है आपके सामने। ये पेश है, बिल्कुल एक थाली के भांति पेश है, जिसे हम भोजन करते हैं तो हमारे पास 56 प्रकार के पकवान होते हैं। तो बिल्कुल प्रकृति के ही वैसे ही वादियाँ हमारे साथ अभी मौजूद हैं। कितने हरे भरे, कितने मासूम गाइस, और इसे हम क्षति पहुँचाते हैं। हम नादान क्या करें गाइस, हम चंद स्वार्थ के लिए अपने प्रकृति के इसके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो गाइस, प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, और आज तो पता ही चल रहा है कि देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है हमारे साथ। तो गाइस, छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक छोटा सा पौधा घर के आंगन में, घर के बाहर, जो भी पौधा हो सके, जरूरी नहीं वो फल का हो, जो संभव हो सके, जो आपको मिल जाए, बस एक छोटा सा पौधा तो आप लगा ही दो। एक गाइस लगा ही दो, तो चलिए मैं आज एक पौधा लगाता हूँ अपने घर के आंगन में। यदि देखता हूँ आंगन में नहीं होगा तो मैं घर के थोड़ा सा बाहर पर लगाऊँगा। तो गाइस, वीडियो के अंदर बने रहें। और ये रहा गाइस जो कि अमरूद का पौधा है, और इस पे फल भी आए हुए हैं, तो बिल्कुल मासूम सा और बिल्कुल हरा भरा सा। और इधर का प्राकृतिक वादियाँ जैसे आप देखेंगे तो बिल्कुल हर एक तरफ आपको हरा भरा, हरियाली महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, आप देख पाएंगे। तो चारों ओर ये हरियाली और ये शानदार मंजर। तो गाइस, ये रहा आपके साथ प्रकृति का वो 56 भोग की तरह परोसा गया, एक थाली की भांति ये एक हरियाली, और ये जितने हैं देख पाएंगे गाइस, तो ये है प्रकृति का वह हसीन वादियाँ जो गाइस आपके सामने मौजूद है, आपके सामने पेश है गाइस। तो गाइस, ये बिल्कुल लहराता हुआ, बिल्कुल खिलता हुआ, अपने आप में एक मनमोहक दृश्य देता हुआ गाइस आपके सामने पेश है। हवाओं के साथ लहराता हुआ
गाइस और सुकून भरी वो सांसें आपको याद दिलाता हुआ और देखता हुआ ये मासूम सजीव और मासूम से ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति की हसीन वादियाँ, अपने आप में मुस्कुराता ये खिलता हुआ प्राकृतिक आपके सामने पेश है और हवाओं के साथ लहराता ये पत्ते। और ये गाइस मैं जिस स्थान पे मौजूद हूँ ये आपको बिल्कुल गांव है और यहाँ पे ये प्राकृतिक की मंजर जो है आपके सामने पेश है। और गाइस ये शहरी क्षेत्रों में बहुत ही अल्प मात्रा में होता है गाइस, जिस वजह से वहाँ प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। आप उदाहरण के तौर पे देखें तो गाइस ये आप जो कि दिल्ली का आप समझ सकते हैं कि दिन में भी कोहरा हुआ करता है, तो अभी फ़िलहाल है कि नहीं मैं तो गया नहीं हूँ गाइस, लेकिन आपने देखा ही है कि वहाँ का क्या स्थिति रहता है कि दिन में भी कोहरा होता है, दिखाई नहीं देता। तो यह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम। और ये रहा गाइस हमारा घर का आंगन बाउंड्री जो बहुत ही ज़्यादा आपको पेड़ देखने को मिलता है। तो गाइस ये हमने कई वर्षों पहले लगाया था जो कि अब वो पेड़ का रूप ले लिया है गाइस, अब फल भी देने लगे हैं। तो ये है गाइस की परिणाम जो हमने पहले रोपा और अब जाके ये पेड़ में परिवर्तित हो चुका है। देख पाएंगे कितनी हरियाली और कितने मनमोहक दृश्य है, हमारे घर के चारों ओर पेड़ पौधे ही आपको देखने को मिल जा रहा है। तो गाइस ये है यहाँ का प्राकृतिक दृश्य, यहाँ का वादियाँ जो कि आपको मन को आपके मन को लुभा रहा है गाइस, तो बिल्कुल हरा और हरियाली। तो चलो गाइस अब हम एक छोटा सा पौधा रोप लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस ये रहा नीम का पौधा जो कि मैं इसे रोपने वाला हूँ। तो ये हमारे दरवाजे के जस्ट फ्रंट पे हमारे घर के पास है, तो ये हमारा घर रह जाता है गाइस और यहाँ से मैं इसे रोपने वाला हूँ। तो गाइस मैं पहले आपको रोप लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये रहा गाइस जो नीम का पौधा है, हमने अभी तुरंत इसे लगाया। तो गाइस इस पर मुझे ढेला लगाना होगा, कहा जाए ढेला के, तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ तो किस तरह से ढेला मुझे लगाना होगा जो मैंने पहले ऑलरेडी एक लगा रखा है गाइस। तो यहाँ से देखेंगे तो ये अनार का पौधा है, तो गाइस इसी तरह से मुझे इस पर लगाना होगा जो ढेला है, नहीं तो ये बकरी उकरी खा जाएंगे, खुले पे हैं तो आज अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे शाम में जाके इस लाना होगा और इस पर लगा देना होगा। फाइनली पौधे को रोप दिया है गाइस जो कि हमने आपको दिखाया, तो ये हमारे घर के जस्ट फ्रंट पे है ताकि
ये हमें छाँव दे। तो गाइस हमने ये लगाया है, तो आप भी एक छोटा सा संकल्प करो गाइस कि एक छोटा सा पौधा लगा ही दो। और गाइस पौधे रोकते रोकते मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया, तो मुझे ये खोलना पड़ा गाइस, ठीक है, तो मुझे गंजी पे ही बनाना पड़ा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, जो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और आप हमारे चैनल पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, साथ ही बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।